वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपने वाईफाई या हॉटस्पॉट को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। सो आपको भी नहीं आता कि कैसे अपने वाईफाई या हॉटस्पॉट को कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप से, सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम इजी से इजी स्टेप्स को फॉलो करते कैसे वाईफाई या हॉटस्पॉट को कनेक्ट किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपने वाईफाई या हॉटस्पॉट को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे टास्क बार में एक नेटवर्क ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो उसको आपको सिंपली से ओपन कर देना है। अगर वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको एक एरो टाइप का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको सिंपली से उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक नेटवर्क ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको सिंपली से उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका जितना भी नेटवर्क अवेलेबल होगा वो आपको शो हो जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, सर्च बार में आपको सर्च करना है वाईफाई। वाईफाई सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको वाईफाई सेटिंग मिल जाएगी, उसको आपको सिंपली से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका वाईफाई ये ऑफ होगा, तो आपको सिंपली से उसको ऑन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक शो अवेलेबल नेटवर्क ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली से उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने वाईफाई सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे आपका जितना भी वाईफाई अवेलेबल होगा वो आपको शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट भी शो हो जाएगा। तो आपका जो हॉटस्पॉट या वाईफाई का जो नेम है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये जो मेरा है प्राइवेट नेटवर्क, ये मेरा वाईफाई का नेम है, तो सिंपली से उसको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक कनेक्ट ऑटोमेटिकली और ये एक कनेक्ट। सो कनेक्ट ऑटोमेटिकली का मतलब है कि जब भी आपका पीसी ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली जो वाईफाई है उससे कनेक्ट हो जाएगा, या जो हॉटस्पॉट है उससे कनेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट ऑटोमेटिकली से हटा देता हूँ, इसको कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये जो है पासवर्ड मांगेगा अपने वाईफाई हॉटस्पॉट का। सो आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल दीजिए। सो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। सो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, सो आपका जो वाईफाई या हॉटस्पॉट है वो इस टैप से कनेक्ट हो जाएगा। और आपको इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए सिंपली से यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट का बटन मिल जाएगा, आपको उस पर सिंपली से क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो वाईफाई या हॉटस्पॉट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और दोबारा कनेक्ट करने के लिए सिंपली से कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। सो इस टाइप से आप वाईफाई या हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी या फिर लैपटॉप से। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।